रेल राज्य मंत्री भारत सरकार सुरेश सी अंगड़ी ने 9 सितंबर को रेल भवन नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वोत्तर रेलवे की समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्चुअल रूप से महाप्रबंधक एलसी त्रिवेदी, अपर महाप्रबंधक अमित कुमार अग्रवाल, प्रमुख विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ रेल अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के संबंध में बताते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा कि रेल राज्य मंत्री सुरेश सी अंगड़ी ने पूर्वोत्तर रेलवे पर किए गए विकास कार्यों, योजनाओं, व्यापारियों एवं उद्योगों को दी जा रही सुविधाओं, माल एवं पार्सल भाड़ा से होने वाली आय पर कहा कि रेलवे की आय बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाएं तथा रेलवे द्वारा दी जा रही रियायतों से व्यापारियों एवं उद्यमियों को अवगत कराया जाए। उन्होंने रेलवे को आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए पार्सल एवं माल भाड़ा पिछले वर्ष की तुलना में दूना करने के निर्देश दिया। इसके लिए व्यापारियों एवं उद्यमियों को सुविधाएं देने के साथ उनसे संपर्क स्थापित कर माल परिवहन को रेलवे पर लाने का सुझाव दिया। सीपीआरओ पंकज सिंह ने बताया कि जुलाई से पूर्वोत्तर रेलवे की लोडिंग में निरंतर सुधार हुआ है तथा इंक्रीमेंटल लोडिंग में वृद्धि के क्षेत्र में पूर्वोत्तर रेलवे सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में भारतीय रेल पर प्रथम स्थान पर है। पूर्वोत्तर रेलवे का इज्जतनगर मंडल ऑटोमोबाइल लोडिंग के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है। टाटा एस मिनी ट्रकों को पहले बार रेल के माध्यम से बांग्लादेश को निर्यात किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय यातायात के सफलतापूर्वक निस्तारण से अब तक 3 रेल इज्जतनगर मंडल के हल्दी रोड स्टेशन से बांग्लादेश को भेजा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया। कल यानी कि 9 सितंबर को माननीय रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सिंह अंगड़ी जी ने पूर्वोत्तर रेलवे की समीक्षा बैठक की, जिसमें महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे श्री ललित चंद्र त्रिवेदी जी, अपर महाप्रबंधक श्री अमित अग्रवाल जी समेत सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। इस मीटिंग में रेलवे माल परिवहन को लेकर क्या उपाय कर रहा है और अपनी अर्निंग आय बढ़ाने के लिए क्या क्या और उपाय कर रहा है उसके बारे में चर्चा हुई, जिसमें एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से महाप्रबंधक महोदय ने बताया कि रेलवे किस प्रकार प्रथम बार पूर्वोत्तर रेलवे से इंटरनेशनल टाटा एस जो मिनी ट्रक जिसको आप मिनी ट्रक के तौर पे जानते हैं उसका निर्यात किया गया बांग्लादेश को। और जो हमारी सुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा जो रेलवे प्रोवाइड करता है, इससे प्रभावित होकर टाटा ने अगले 3 रेक विगत 1-1.5 महीने में हम लोगों ने 3 रेक टाटा एस के बांग्लादेश को भेजे इज्जतनगर डिवीज़न से। इसी प्रकार हम लोग सुबहपुर से गेहूं बांग्लादेश को भेजे और निरंतर जो ये प्रयास हुआ है, बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट बनाई गई हैं हेडक्वार्टर स्तर पे 3 मंडलों में, लखनऊ मंडल, वाराणसी मंडल और इज्जतनगर मंडल में। इन लोगों ने जो प्रयास किए हैं उसके फलस्वरूप हम लोगों ने इधर बीच जो अगर बात करें जुलाई से, तो जुलाई से हम लोगों ने जो माल परिवहन के थ्रू जो हमारी अर्निंग थी वो निरंतर बढ़ी है। और सितंबर महीने के प्रथम सप्ताह में जो इंक्रीमेंटल अर्निंग थी हमारी वो भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा थे। इंक्रीमेंटल अर्निंग का मतलब ये है कि पिछले साल की तुलना में इस साल सितंबर के फर्स्ट माह में जो हमने अपना बढ़ाया, अर्निंग बढ़ाया, तो लगातार जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो हमारे बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट हैं, वो लगातार अच्छा प्रयास कर रही हैं जिससे कि माल परिवहन अब रेलवे की तरफ आकर्षित हो रहा है। हमारे वर्कशॉप ने जो अनुपयोगी कोचेज थे उनको एनएमजी वैगन में कन्वर्ट किया। एनएमजी वैगन का प्रयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब ये जो कार या ट्रैक्टर या टाटा एस इस तरह के जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनको ले जाने के लिए एनएमजी वैगन का प्रयोग होता है। रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन करने से जहाँ एक तरफ व्यापारियों को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि रेलवे कम समय में और कम लागत के साथ सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है, तो ये जो प्रत्यक्ष लाभ हैं जो व्यापारियों को हो रहे हैं। इसके अलावा जो अप्रत्यक्ष लाभ है, जैसे कि रेलवे अभी काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिफाइड हो गया है तो ऐसे में डीजल कंजम्पशन कम है, तो जो कार्बन एमिशन है वो कम है, तो पर्यावरण को जो लाभ पहुँच रहा है। कहने का अर्थ यह है कि एक तरफ तो हम सस्ता किफ़ायती माल परिवहन का विकल्प दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को भी हम लोग संरक्षित कर रहे हैं।
इसलिए जो व्यापारी बंधु हैं वो लोग रेलवे से आकर्षित हो रहे हैं और इसके लिए लगातार उनसे सब संवाद बनाया गया।